हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सितंबर मंथ के पार्ट वन के करंट अफेयर्स के सेशन में एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एज पर दी एजेंडा पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में दूसरा डिस्कशन हमारा होगा दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी एम तीसरा जो हम लोग डिस्कशन करेंगे थर्ड डिस्कशन विल बी अबाउट and and it will be the national international miscellaneous current affairs और banking and finance के section को भी हम लोग cover करेंगे and then उसके बाद कुछ भी जो अपॉइंटमेंट obituary, स्पोर्ट्स एवं बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड न्यूज होती हैं वो सभी तो फर्स्ट टू सेवन September ऑब्जर्व किया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक जिसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में जाना गया याद रखेंगे पोषण से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें से आंध्र प्रदेश में रिसेंटली एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम है वाई संपूर्ण पोषण नाम याद रखिएगा वाई का मतलब होता है युवा श्रमिक रायतु यानी यूथ लेबर एंड किसान रायतु मतलब किसान होता है विचार आर फार्मर्स बेसिकली वाई संपूर्ण पोषण और वाई संपूर्ण पोषण प्लस अभियान इसे शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में और फर्स्ट टू सेवेंथ सितंबर तक इसे शुरू किया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आगे बढ़ते हैं सेकेंड सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे विश्व नारियल दिवस और इस बार दो के सितंबर की थीम रही है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड याद रखिएगा इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड दिस हैज बीन द थीम और साथ ही साथ विश्व नारियल दिवस के बाद थर्ड सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व किया जाता है स्काई स्क्रैपर डे स्काई स्क्रैपर दिवस कहते हैं इसे और स्काई स्क्रैपर डे का मतलब क्या होता है सबसे पहले इस पर फोकस किया जाए एंड देन वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स वो इमारतें जो बनाई जाती हैं परंतु उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है जैसे हम लोग बात करते हैं कि सपोज दस स्टोरी की बिल्डिंग दस स्टोरी की बिल्डिंग का मतलब दस मंजिला बिल्डिंग और जनरली आप देखोगे दस मंजिला की इमारत की ऊंचाई पंद्रह फुट के आसपास से ले लीजिए आप तो दैट विल बी वन फिफ्टी फीट बट अभी वन फिफ्टी स्टोरी की बिल्डिंग्स बनना भी आम बात हो गई है इवन अब बड़ी बड़ी जो गगन चुंबी इमारतें बनती हैं उनके लिए ये स्काई स्क्रैपर डे ऑब्जर्व किया जाता है आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सेप्टेम्बर को टीचर्स डे यानी नेशनल टीचर्स डे आपको पता है भारत देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट भी यही रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और जिस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हुआ करते थे आ, स्पेशल तौर पर भारत के राष्ट्रपति और उन उनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बहुत ही घातक रहे फिफ्थ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और अगर बात किया जाए तो कैडवर डोनेशन भी होता है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूज विच विलच हैज बीन इन दी पार्ट कैडबर डोनेशन का मतलब होता है अंगदान करने का सिस्टम तो ये भी एक अपने आप में पार्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और कैडवर डोनेशन अंगदान भी वैसे भारत की बात करें तो भारत में 0.26 पर मिलियन इतना लोग अंगदान देते हैं जो कि पूरे विश्व में सबसे कम है एनीवेज़ इसके अलावा अगर बात करें अंगदान के अलावा तो दुनिया भर के दान हैं जो किए जाते हैं जिनमें से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इवन जो एन होते हैं या फर्म्स होते हैं उन सभी फर्म्स के अपने अपने ट्रस्ट होते हैं उनके माध्यम से वो लोग देश की सेवा करते हैं और अलग अलग जगहों पर फंड्स को मोबिलाइज़ करते हैं एवं साथ ही साथ चैरिटी के माध्यम से लोगों की लाइफ को बेहतर बनाते हैं सेवन सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस ऑब्जर्व किया जाता है सेवन सेप्टेंबर को और साथ ही साथ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है पाँच जून को ये भी याद रखेंगे आठ सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और लिटरेसी की जब भी बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा लिटरेट अगर कोई राज्य है तो वो है केरला जिसका 95 परसेंट से ज़्यादा लिटरेसी रेट है और वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है दैट यू कैन सी इज 64 परसेंट तो आंध्र प्रदेश सबसे कम और केरला सबसे ज़्यादा साक्षर राज्यों में से है वहीं अगर रिसेंटली देखें तो हिमाचल प्रदेश की छियासी प्रतिशत साक्षरता दर हो गई है जो कि पहले चौवन प्रतिशत के आसपास हुआ करती थी पहले मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ नाइन्थ सेप्टेंबर को नौ सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये इंपॉर्टेंट है हमले से किस तरीके से शिक्षा की रक्षा करनी है और साथ ही साथ जैसे तालिबान में एक एक्टिविस्ट मलाला यूसुफ जई ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया वैसे ही ये इंटरनेशनल डे एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 10 सितंबर को 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और सुसाइड पहले तो एक अपराध हुआ करता था भारत में जब से मोदी सरकार ने नए कानून लाए हैं तो सुसाइड के ऊपर भी एक कानून लाया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम इसे क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा रेदर इट विल बी कंसिडर्ड कि अटेम्प्ट टू सुसाइड में अगर कोई एक बार में मर जाता है तो ठीक है नहीं मरता है तो कोई बात नहीं दोबारा कूद जाए किसी बिल्डिंग से और वो मर सकता है एनी बात यह है कि सुसाइड प्रिवेंशन लोगों को जो डिप्रेस्ड कंडीशन है जो उनकी मेंटल वेलनेस ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करना एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग बेसिकली सुसाइड को प्रिवेंट करना 10 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में 12 सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 और इस बार की थीम रही है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ्स प्राथमिक चिकित्सा आपको पता ही है कि कहीं पर भी चोट लग जाए कोई भी एक्सीडेंटल चीजें हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ही 14 सितंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड हिंदी डे तो वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को ये भी याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस और हिंदी की बहुत ही खूबसूरत लाइंस में से एक जो मैं हमेशा दोहराता हूं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर वो ये है कि दिशा दीप्त हो चुकी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों से इतिहास तुम्हारा जिस मिट्टी ने लहू पिया वह पुष्प खिलाएगी ही अंबर पर घनभन छाएगा ही उच्छवास तुम्हारा और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है थक्कर बैठ गया क्या भाई मंजिल दूर नहीं है उन्नीस के पहले जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता डिप्रेस्ड फील करते थे या उन्हें कभी कभी वो आशा की किरण की कमी महसूस होती थी तो उस समय पर इन पंक्तियों के माध्यम से उनके अंदर एक ज्वाला जगाई जाती थी जिससे वो देश के लिए और भी ज्यादा मेहनत कश हो जाते थे 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया इंजीनियर्स डे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ये वो व्यक्ति हैं जो भारत के पहले इंजीनियर कंसिडर किए जाते हैं नेशनल इनकम के फॉर्मुलेशन में इन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक फॉर्मूला दिया था जिसके माध्यम से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते थे हालांकि वो फार्मूला बहुत ज्यादा दिनों तक इंप्लीमेंटेड नहीं रहा कुछ दिनों के बाद उसे हटा दिया गया परंतु डॉ सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम बहुत ज्यादा फेमस है पंद्रह सेप्टेंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र आप जानते हैं लोकतंत्र के बारे में जितने डिस्कशंस किए जाए कम है लोकतंत्र दिवस अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल लोगों के लिए लोगों के द्वारा और लोगों द्वारा प्रदत्त चिन्हित पूरी सरकार जब कभी भी किसी के लिए काम करती है तो वो डेमोक्रेसी कहलाता है लोकतंत्र कहते हैं इसे या प्रजातंत्र भी कहते हैं हिंदी में 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और इस बार की जो थीम है 2020 की वो रखी गई है ओजोन फॉर लाइफ 35 फाइव ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन दिस हैज़ हैजल्सो बीन द थीम विश्व ओजोन दिवस और साथ ही साथ 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और इस बार पेशेंट सेफ्टी पर हेल्थ वर्कर की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है अगर हेल्थ वर्कर सेफ रहेंगे इस कोविड के एरा में तो इट विल बी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी तो इस बार की थीम भी रखी गई है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे विश्व बांस दिवस और इस बार की थीम है 2020 की बैम्बू नाव तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी ऑब्जर्व किया जाता है वाटर मॉनिटरिंग डे जल निगरानी दिवस कहने का अर्थ ये कि आप जल को बिल्कुल भी एक बूंद भी व्यर्थ ना होने दें ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन है सूखा है जहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि कभी भी किसी भी वक्त पर वहाँ के लोगों को अकाल का सामना करना पड़ सकता है नदियाँ सूख चुकी हैं ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर जाने वाला है पूरे वर्ल्ड का एक मीन टेम्परेचर भी परसेंटेज वाइज बढ़ रहा है जिसमें डिग्री सेल्सियस की कंपेरिजन आप डिग्री फेरन से करें तो रिजल्ट बहुत ही भयानक निकल करके आते हैं ऐसे समय पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोनिटर वाटर और 2020 की थीम भी क्या रही है सॉल्व वाटर सॉल्व वाटर का मतलब इस मुद्दे को सॉल्व करना 18 सितंबर को ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे भी ऑब्जर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और समान वेतन न सिर्फ उनका जो कि अभी कार्य कर रहे हैं बल्कि उनका भी जो भारत के लिए कार्य करना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वन रैंक वन पेंशन इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा और आइए इसके बारे में जान भी लेते हैं थोड़ा सा आपको पता है भारत में जो जॉब करने वाले लोग हैं उनमें से सेना एक सबसे बड़े लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक है वन रैंक वन पेंशन सेना से जुड़ा हुआ मामला है यानी कि आर्मी से जुड़ा हुआ मामला नॉट ओनली द आर्मी बट ऑल्सो द डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स सबसे जुड़ा हुआ मामला है ये और जब जब सरकार हमारे यहाँ पर एक दस सालों में पेमेंट को रिव्यू करती है तो नया पे स्केल इम्प्रोवाइज होता है और वो पे स्केल आकर के लागू होता है वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत तो so आइए इसको कुछ इस तरीके से समझें कि सपोज 1986 की हम बात करें तो फोर्थ पे कमीशन आया 1996 की बात करें तो फिफ्थ पे कमीशन 2006 की बात करें तो सिक्स पे कमीशन और 2016 की बात करें तो सेवन्थ पे कमीशन और 2026 में कभी एट्थ पे कमीशन आएगा अब देखिए 1986 सौ छियानवे दो हजार दो हजार सोलह अब मान लीजिए एक रैंक की बात करते हैं हम आर्मी की और वो है कर्नल कोई अगर कोई कर्नल उन्नीस से उन्नीस के बीच कहीं रिटायर हुआ हो तो इस रिटायरमेंट के समय पर उसका बेसिक यदि मान लीजिए ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज था तो इस बेसिक के हिसाब से उसकी जो पेंशन बनेगी वो बनने वाली है लाइक टेन थाउजेंड रुपीज फिर इसी तरीके से अगर वो फिफ्थ से सिक्स के बीच में रिटायर हुआ तो अगर उसका बेसिक चालीस हजार रुपये था तो उसकी पेंशन बनेगी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ अगर वो सिक्स से सेवन्थ पे के बीच में रिटायर हुआ जिसकी पेंशन हुआ करती थी कहीं साठ हजार रुपये के आसपास तो उसकी पेंशन बनेगी थर्टी थाउजेंड रुपीज़ और अगर किसी की पेमेंट सेवेंथ पे कमीशन के बाद से अस्सी हजार रुपये बेसिक है तो उसकी पेंशन बनेगी फोर्टी थाउजेंड रुपीज नाउ दिस पॉइंट इज अ लिटिल बिट अमेजिंग ये पॉइंट सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है वो इसलिए क्योंकि एक ही कर्नल रैंक का रिटायर्ड बंदा एक ही वो कमांडिंग ऑफिसर जिसने फौज की एक बटालियन को लीड किया है उसकी पेमेंट के बाद उसकी पेंशन में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों अब अगर इस पूरे वेरिएशन को आप समझें तो यू विल गेट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इट रिक्वायर्स वन रैंक वन पेंशन क्योंकि एक कर्नल जो उन्नीस सौ छियासी से छियानवे के बीच में रिटायर हुआ और दूसरा कर्नल जो तो दो हजार सोलह से दो हजार बीस के बीच रिटायर हुआ इन दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों ही कर्नल रहे हैं और दोनों ने ही इंडिया को सर्व किया है दे बोथ हैव सर्व्ड इंडिया इज एंड इट तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल और इन दोनों की पेंशन बराबर होनी चाहिए दैट्स वॉट इज द मुद्दा यही को कहते हैं वन रैंक वन पेंशन का मामला आई होप द पॉइंट इज कम्प्लीटली क्लियर इस तरीके से इक्वल पे को डिसाइड किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पेमेंट के तरीके हैं जिन पेमेंट के तरीकों को फॉलो करके फाइनली एप्लीकेशन ऑफ इक्वल पे दिया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पीस डे विश्व शांति दिवस वॉर मॉन्गरिंग ना करना युद्ध को बढ़ावा ना देना और ज्यादा से ज्यादा शांति को बढ़ावा देना शेपिंग पीस टूगेदर इज द थीम ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर और विश्व शांति दिवस पूरे विश्व में शांति के लिए ही है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बात की जाती है 1945 में 24 अक्टूबर को एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और यूएनओ तब से लेकर के आज तक वर्ल्ड में एक पीस और ऑर्डर मेंटेन और क्रिएट करने के लिए काम कर रहा है जहां तक अब हम बात करें कि जैसे 1918 में वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने पर लोगों ने लीग ऑफ नेशंस की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए क्योंकि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है युद्ध को रोकना तो आखिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करके फाइनली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसे हम यू के नाम से जानते हैं और उसके बाद से ही पूरे विश्व में पीस को स्टैब्लिश करने का काम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करता आया है ट्वेंटी फर्स्ट की बात करें 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्ज़ाइमर्स डे के रूप में भी जाना जाता है विश्व अल्ज़ाइमर दिवस और वर्ल्ड अल्ज़ाइमर्स डे अल्जाइमर एक ऐसी डिसीज है विच इज रिलेटेड टू ब्रेन वेर योर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग और वेर योर ब्रेन एक्चुअली डज नॉट डू द फंक्शंस एज पर रिक्वायर्ड और साथ ही साथ दूसरी और खास बात मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि एल्जाइमर्स डे पर यदि हम फोकस करें एल्जाइमर्स तो अल्जाइमर स्टेजेस होती हैं लाइक स्टेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और अगर स्टेज सिक्स है तो ये सबसे ज्यादा घातक है स्टेज सिक्स में इंसान सब कुछ भूलने लगता है तो अल्जाइमर एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें इंसान भूलने लगता है सब कुछ ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड राइनो डे राइनो का मतलब आप जानते हो राइनो एक मैमल है और जंगली जानवर है जिसे गेंडा कहते हैं विश्व राइनो दिवस भारत में भी राइनो के रिजर्व हैं जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क बड़ा ही फेमस है 2020 का वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया और 2022 2020 का 22 सितंबर ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड रोज डे के रूप में विश्व रोज डे या विश्व गुलाब दिवस देखिए विश्व गुलाब दिवस कैंसर पेशेंट्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो गया है उन सभी को एक गुलाब का फूल देंगे एंड दे विल फील बेटर वो अच्छा फील करेंगे अच्छा महसूस करेंगे इस बात पर विशेष तौर से फोकस किया जाता है दिस इज कॉल्ड विश्व गुलाब दिवस 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और सांकेतिक भाषा की बात करें हम लोग तो सांकेतिक भाषा आपको पता है जो मूक बधिर लोग होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है साथ ही साथ लास्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर ऑन थर्सडे अगर इसकी बात हम लोग करते हैं लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर ऑन थर्सडे वर्ल्ड मैरीटाइम डे विश्व समुद्री दिवस ऑब्जर्व किया जाता है और 2020 का विश्व समुद्री दिवस की थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लान सस्टेनेबल प्लान के लिए सस्टेनेबल शिपिंग रही है विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग ट्वेंटी सितंबर जिसे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कहा जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस थीम रही है 2020 की ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनसंघ के एक बहुत बड़े पिलर कहे जाते हैं उनका जन्म दिवस अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मैंने आपको बताया था 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इस बार की थीम भी रखी गई 2020 में एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पैंडमिक तो डिस पैंडमिक प्रिवेंशन में एनवायरमेंटल हेल्थ विल प्ले अ की रोल 26 सितंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस यह ऑब्जर्व किया जाता है 26 सितंबर को और परमाणु हथियार के एलिमिनेशन पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में ये काम करती है वियना ऑस्ट्रिया की ये एजेंसी मेक श्योर करती है कि कभी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को ना बनाए और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए ना हो रेदर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल अगर किसी एनर्जी पर्पस के लिए होता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है देन दैट इज फाइन इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी याद रखिएगा वियना ऑस्ट्रिया में है और दिस इज अ न्यूक्लियर वॉच डॉग कई बार एक शब्द आपसे पूछा जाता है कि बताइए न्यूक्लियर वॉच डॉग कौन है तो द करेक्ट आंसर वुड बी न्यूक्लियर वॉच डॉग इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया की फोर्थ संडे ऑफ सेप्टेंबर अगर हम लोग बात करें तो जो चौथा संडे होता है सेप्टेंबर का उसे इंटरनेशनल डॉटर्स डे के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बेटियां दिवस ठीक है और 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल डॉटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय या बालिका दिवस जो बच्चियां होती हैं उनका दिवस मनाया जाता है ये तो इंटरनेशनल डॉटर्स डे एक तरफ और साथ ही साथ फोर्थ संडे ऑफ सेप्टेंबर को हम लोग इंटरनेशनल डॉटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग ट्वेंटी सेवन वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे विश्व रेबीज़ दिवस और इस बार की थीम रही है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट दिस हैज बीन द थीम ऑफ वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना अभिगमन दिवस और उनतीस सेप्टेम्बर को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे विश्व हृदय दिवस दो यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस तो ये थीम रही है इस बार के विश्व हृदय दिवस की चलिए आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज के सेशन में डिस्कशन करना शुरू करते हैं Consultation along with वियतनाम त्रान तुआन An? निम्नलिखित में से किसने वियतनाम के त्रान तुआन आन के साथ सत्रहवें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श की सह अध्यक्षता की है सही उत्तर है पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर एंड फूड ये भी हैं इनके पास और साथ ही साथ रेलवे के मिनिस्टर तो हैं ही पीयूष गोयल जी और वियतनाम के जो त्रान आन हैं वो भी इंडस्ट्री एंड ट्रेड के मिनिस्टर हैं इन दोनों ने मिलकर के सेवनटीन आशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर कंसल्टेशंस को उनतीस अगस्त को कम्प्लीट किया सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में फिनंशियल स्टेबिलिटी को लाने में और मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने में

69A और सेक्शन सिक्सटी नाइन ए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई पब्लिक रूल्स टू थाउजेंड नाइन भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम ई आई टी वाई मिटी जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी उन्होंने इसे शुरू किया है तो इंडिया चाइना का क्लैश हो गया था लद्दाख में और तब से लेकर के अब तक रिस्टोर करने की बात नहीं आई है कि इनके रिलेशन को रिस्टोर किया जाए विध विच कंट्री इंडिया हैज़ रिजॉल्व टू टू डीपन कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म एंड पायरेसी द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी इज नाइजीरिया इंडिया और नाइजीरिया एक सितंबर को काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कह चुके हैं इंसर्जेंसी और पायरेसी को खत्म करने की बात कह चुके हैं इससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड एक्सचेंजेस बढ़िया होंगे अब डिफेंस ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ ही साथ अलग एरियाज जिनमें डिफेंस इक्विपमेंट सपोर्ट मिल सकता है मेडिकल और मेंटेनेंस सर्विसेज हो सकती हैं रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़ पर भी फोकस किया जा सकता है इन पर विशेष तौर से फोकस करने की बात कही गई है

मॉस्को विजिट किया तीन से पाँच सेप्टेम्बर और साथ ही साथ रशियन फेडरेशन के डिफेंस मिनिस्टर के बुलावे को भी पूरा किया जिनका नाम है शेरेगई शोइगो अब फाइनली रशिया में ये तीनों जो अलग अलग मीटिंग्स हुई इनमें प्रेजेंट रहने का काम किया एवं सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी जो वर्ल्ड वॉर टू की थी जिसमें विक्ट्री डे परेड ऑर्गेनाइज की गई क्योंकि USSR ने जर्मनी को हराया था और यह पचहत्तरवा वर्ष है जब जर्मनी हारा था तो उसे से भी डिस्कस कर रहे थे बाइलेटर को और म्यूचुअल इंटरेस्ट के सभी के सभी इश्यूज को हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय जापान एज इमरजेंसी लोन फॉर इंडिया टू फाइट कोविड 19 पेंडेमिक कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए भारत द्वारा आपातकालीन ऋण के रूप में कितनी राशि बढ़ाई गई थी और इसका सही आंसर है फिफ्टी बिलियन येन जो कि लगभग पैंतीस सौ करोड़ रुपए के आसपास होते एक अगस्त को एक इमरजेंसी सपोर्ट लोन प्रोवाइड करवाया गया था बाई द जापान और साथ ही साथ जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं आई से इक्विप्ड हैं उन सभी हॉस्पिटल्स में ये लोन अमाउंट 0.01 परसेंट के इंटरेस्ट रेट के साथ भेजा गया और साथ ही साथ इसका रिडेम्शन पीरियड पंद्रह सालों का रहा इसमें चार सालों का एक ग्रेस पीरियड भी है कि आने वाले समय में यदि चार साल कोई नेचुरल कलेमिटी हो जाती है या भारत में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसे कि कोविड लाइक सिचुएशन तो इंडिया विल बी एबल टू मैनेज इट अगला हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाई जापान ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन नेवी इज गोइंग टू होल्ड मेगा नेवल एक्सरसाइज इंदिरा ट्वेंटी तो किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने मेगा नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित किया है इसका सही उत्तर है रशिया के साथ देखिए कावकाज नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज थी उससे भारत ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था कि वी डोंट वांट इट टू बी एंड वी डोंट वांट टू बी दार्ट ऑफ कावकाज मिलिट्री एक्सरसाइज एनीवेज इंदिरा जो एक्सरसाइज है यह अंडमान सी में होगी विच इज क्लोज टू स्ट्रैटेजिक स्टेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि एक पैसेज है जहां से चाइनीज शिप्स गुजरते हैं और वो क्रूड ऑयल को लेकर के गुजरते हैं इसमें कंट्रोल uh, रखा जाएगा दिस एक्सरसाइज इज बिंग कंडक्टेड विद इंडियन नेवी और हाई ऑपरेशनल अलर्ट पे रहा इंडियन नेवी ड्यू टू स्टैंड ऑफ विद चाइना आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडिया और नाइजीरिया ने कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए काउंटर टेररिज्म से लड़ने के लिए या टेरिज्म से लड़ने के लिए काउंटर टेरिज्म के ऑपरेशंस करने के लिए मिल करके साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं नाउ अब नाइजीरिया अगर मिलिटरली भारत के साथ जुड़ना चाह रहा है तो सोचिए किस लेवल की डिप्लोमेसी ये लोग चाहते हैं जब जब हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बन रहे हैं और वो डिप्लोमेटिक टाइज स्पेशली किसी भी कंट्री के साथ ऑन दिस ग्राउंड बनते हैं तो दिस इज़ द बिगर थिंग अब देखिए नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है गल्फ ऑफ गोना में और बहुत सारे इसमें वाइल्ड लाइफ रिज़र्वस भी हैं जैसा कि आपको पता है यहाँ की अगर करेंसी देखें तो नायरा है और यहाँ की हाउज़ा इगबो यूबा ये सभी नेशनल लैंग्वेज हैं नाइजीरिया की सबसे बड़ी जो सिटी है उसका नाम है लेगॉस और नाइजीरिया के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करें तो इसकी राजधानी मैंने आपको नहीं बताई अबूजा अबूजा इज दी कैपिटल ऑफ नाइजीरिया तो सबसे बड़ा शहर है लागोस और अबूजा इज कैपिटल। दूसरा अमूल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन डेरी फर्म टू एंटर रेवो बैंक्स ग्लोबल टॉप ट्वेंटी लिस्ट की नेस्ले ने टॉप किया देखिए अमूल जो है ये पहला इंडिया डेरी फार्म है जो रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप ट्वेंटी की लिस्ट में आ गया कहने का मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसका हेड क्वार्टर्स है आनंद नाम की एक जगह पे गुजरात में वहां पर यह कंपनी सिचुएटेड है यह कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है और पहला इंडियन डेयरी फर्म है जो रोबो बैंक की ग्लोबल टॉप ट्वेंटी लिस्ट में आया है स्विट्जरलैंड के नेस्लै ने हालांकि टॉप किया है यह तो आपको पता ही है अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की बात करें तो कोई इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं आया ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने कहा है खुद ही अब अगर आप हमारे यहाँ पर देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में एन में तो वहाँ आई एस बेंगलोर है वहाँ पर अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी हैं टेक्निकल कॉलेजेस की बात करें अगर नॉन टेक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है फार्मेसी के कॉलेजेस भी हैं दिल्ली के परंतु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी रैंक नहीं आई है तो दिस हैज़ ऑल्सो बीन अ डिफरेंट केस फॉर इंडिया पाकिस्तान चाहता था कि चार इंडियंस को टेररिस्ट बना दिया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया अगली खबर यह है कि चाइना विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेवी रखता है यूएस की एनुअल डिफेंस रिपोर्ट में यह आया था कि चाइना के पास जो नेवी है उसका साइज काफ़ी बड़ा है एंड द नेवल साइज़ इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 2.5 पॉइंट अब अगर 2.5 पॉइंट के आसपास नेवल साइज़ है तो ये सच में बहुत बड़ा क्योंकि यूएस का भी नेवल साइज़ देखें तो यूएस का भी नेवल साइज़ 2 लाख के नीचे ही है और अगर इंडिया का नेवल साइज़ देखें तो इंडिया के नेवी में लगभग सेवेंटी पर्सनल हैं तो ये भी अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी नेवी चाइना के पास ही है सऊदी अरेबिया ने जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रॉडनरी मीटिंग को अटेंड किया और जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रॉडनरी मीटिंग की बात करें तो इस बार का जी ट्वेंटी तो सऊदी अरेबिया में रहा और ये जी ट्वेंटी का कौन सा एडिशन था दिस वॉज सिक्सटीन और 15th ये आप कॉमेंट में बताएंगे। परंतु 2020 सऊदी अरेबिया 2021 इटली 2022 इंडोनेशिया और 2023 2023 इंडिया इस तरीके से ये चेयरमैनशिप ट्रांसफर होती रहेगी तो एक्स्ट्रॉडनरी मीटिंग सऊदी अरबिया ने भले की हो परंतु चेयरमैनशिप का ट्रांसफर होना चलता रहेगा द नेक्स्ट इज इंडिया यूएस और इसराइल ने कोलाबरेट किया है ताकि फाइव टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके इंडिया की राजधानी है दिन दिल्ली आपको पता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे कमला हैरिस एवं यहाँ पर रिसेंटली चुनाव हुए और जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विक्ट्री हासिल की 306 सीटें टोटल लेकर के आए वो इलेक्टोरल वोट्स में यूएस की राजधानी आपको पता है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर इसराइल की बात करें तो करेंसी है इसकी इसराइली शैकेल और रेवलिन है यहाँ के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू है यहाँ के प्रधानमंत्री एवं इसराइल इज ऑल्सो डेमोक्रेसी विच इज अ ज्वइ पॉपुलेशन तो इसराइल में जुइस पॉपुलेशन मैक्सिमम है यूएस में क्रिश्चियन पॉपुलेशन मैक्सिमम है और भारत में हिंदू पॉपुलेशन मैक्सिमम है अब फाइव डी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडिया यूएस और इजराइल ने मिलकर के कोलेबरेट किया है श्रीलंका ने काउस लॉटर पर बैन प्रपोज किया श्रीलंका ने कहा कि किसी भी हाल में गायों को मारा नहीं जाएगा और श्रीलंका की बात जब भी करते हैं तो राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धनीपुरा कोटे और आपको पता है कि श्री जयवर्धने पूरा कोटे के अलावा श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे वहां के सीएम और महिंद्र राजपक्षे वहां के गोटाबाया राजपक्षे वहां के प्रेसिडेंट हैं और महिंद्र राजपक्षे वहां के पीएम अपॉइंट किए गए ये दोनों ही लोग भाई हैं आगे बढ़ते हैं पहली इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग हुए वर्चुअली और ये चाइना को काउंटर करने के लिए किए गए मेनली इंडिया की रैंक वन जीरो फिफ्थ पहुंच गई है सेवेंटी नाइन्थ से ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये है कि कितने फ्रीडम के साथ आपके यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं भारत की रैंक ओवर द पीरियड डिकेड या ये दशक में कम हुई है ट्रम्प को नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज दो के लिए आइए ये, ये भी बता देते हैं और इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं देखिए है क्या कि ट्रम्प ने मीडिएशन किया है एक हिस्टोरिक डील का जो कि यू और इसराइल के बीच में साइन की गई जिसका नाम है एब्राहम अकॉर्ड अब इस एब्राहम अकॉर्ड में फाइनली ये जो डील साइन की गई है दिस हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट डील बहुत बड़ी डील्स में से एक और अब देखो कि हालात कुछ ऐसे हुए हैं जिनमें इंडिया एक एक, एक, एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया है या भारत एक ऐसे सिचुएशन पर है जहां भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट स्टॉप पर हैं ट्रम्प साहब को नामिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अब हम लोग बात तो कर रहे हैं कि यू और इसराइल के बीच में बहुत अच्छा समझौता ये साइन हुआ और इस बहुत अच्छे समझौते पर इसराइल से अब तो फ़्लाइट्स भी यूएई के लिए यानी दुबई के लिए उड़ने लगी हैं और काफ़ी इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हुए हैं अदरवाइज़ इसराइल और यूएई यानी अरब वर्ल्ड और इसराइल के बीच में बहुत बड़े बड़ बड़े मेजर वॉर्स हुए हैं और इन मेजर वॉर्स में हम लोग देखना शुरू करें अगर तो क्रम ये कहता है कि सबसे पहले जो वॉर हुआ उसमें सपोज़ जो छः वॉर्स हुए हैं उनमें इसराइल ने अरब वर्ल्ड को हराया फिर दूसरे वॉर हुए तो इसराइल ने अरब वर्ल्ड को हराया तीसरा हुआ तो भी चौथा पाँचवा पाँच, छठा पाँच, लगातार विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इंडिया ने चाइना को बीट करते हुए यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया है ये ठीक है तो ये भी एक इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज रही है योशिदे सुगा शिंजो आबे के बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर बने और वो इसलिए क्योंकि शिंजो आबे की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपने हेल्थ कंसर्न के ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिया था आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट पे अगर बात किया जाए तो क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को प्लेयर स्पॉट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया अनिल जैन साहब जो हैं उन्हें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट अपॉइंट किया किया गया गया परेश रावल को चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट इंडिया में फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी जो हुआ करती थी प्रीति सुदान उनको अपॉइंट किया गया डब्ल्यू का पैनलिस्ट और सुभाष कामत को ए -E का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया हरियाणा के आई ऑफिसर राजेश खुल्लर साहब को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक अपॉइंट किया गया एवं समीर कुमार खरे को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द ए डी बी अपॉइंट किया गया जे डी यू जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन वापस रीइलेक्ट किए गए पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया और ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया ग्रेट लर्निंग बेसिकली एक एक, एक, एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद चंद्र मोदी को छह महीने का एक्सटेंशन दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में के पदमाकर की बात करें तो उन्हें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एडिशनल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया उषा पधी की बात करें तो वो पहली वुमन है पहली वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एवं अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके ये भी देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ए ने अप्रूव किया वी यादव का अपॉइंटमेंट एज अ रेलवे बोर्ड का फर्स्ट एवर सीईओ तो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में ए ने वी के यादव जी का अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर लिया है मुरली रामाकृष्णन की बात करें तो उनको अपॉइंट किया गया है एम डी एन सी ओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सी ओ एस कृष्णन की बात करें तो उन्हें अपॉइंट किया गया है एमडीएन सी ओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक ये भी याद रखिएगा कोका कोला की बात करें तो कोका कोला ने संकेत रे को नया कंट्री हेड अपॉइंट किया है और टी कृष्ण कुमार को चेयरमैन अपॉइंट किया है याद रखिएगा बजाज आलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था सेप्टेम्बर में और एफ ए डी ए ने विंकेश गुलाटी को अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया था नौ द पॉइंट कम्स वट इज एफ ए डी ए वट इज एफ ए डी ए इन विंकेश गुलाटी

ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है पियरे गैलसी की बात करें तो उन्होंने इटालियन ग्रांपरी जीता है तो पियरे गैसली इटालियन ग्रांपरी पुलिस ऑफिसर पूनम खत्री की बात करें तो वुशु का वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्हें अपॉइंट किया गया अच्छा अनाउंस किया गया वुशु का वर्ल्ड चैम्पियन वुशु एक ऐसी फ्री फाइट वाला गेम है जिसमें बॉक्सिंग में जैसे आप हर जगह नहीं हिट कर सकते लेकिन वुशु एक ऐसा फ्री फाइट होता है जिसमें हर जगह हिट किया जा सकता है दूसरी खास बात यह भी है कि जो वुशु गेम है वुशु गेम अपने आप में थोड़ा यूनिक है ये गेम यूनिक भी क्यों वो भी हम थोड़ा सा आपको फोकस करके बताते हैं कि पूनम खत्री को क्यों क्राउन किया गया है विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियनशिप में एंड देन वाई इज दिस यूनिक पूनम खत्री ने जब लड़ाई करी थी अपने ओपोनेंट के खिलाफ तो इनकी ओपोनेंट गोल्ड मेडल लेके आए थे और इनको दिया गया था ब्रॉन्ज नाउ उसके बाद वो डोपिंग में फंस गई इनकी ओपोनेंट और जब वो डोपिंग में फंसी तो अवार्ड को उस फंसी हुई वाली से लेकर के पूनम खत्री जी को दे दिया गया और हरियाणा की हैं हालांकि ये है। कमाल की फाइटर हैं और वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 अब इनके पास है जो कि पहले किसी और के पास हुआ करता था लुई हैमिल्टन की बात करें तो बहुत ही क्योटिक टस्कन ग्रांप्री जीता इन्होंने और आपको पता है टस्कन ग्रांप्री कैसा है ये एंड एंड दिस इज ऑलवेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग एंड लुई हैमिल्टन हैज़ बीन द ग्रेट इन इट इंडिया ने सक्सेसफुली स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी को हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यूज कर लिया ठीक है इंडिया जापान ने की अग्रीमेंट साइन किया है रेसिप्रोकल सप्लाईज में डिफेंस के मामले में गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज को डिफेंस में एफ डी आई में लिखा है और वो उनचास प्रतिशत से बढ़ करके सेवेंटी फोर परसेंट कर दिया गया है आगे बढ़ें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने पच्चीस सौ अस्सी करोड़ की डील साइन की ताकि रॉकेट लॉन्चर्स को प्रोक्योर किया जा सके इंदिरा ट्वेंटी की बात करें तो इंडियन नेवी हैज इंडिया द मेगा एक्सरसाइज रशिया एंड इंडिया रशिया इन दोनों ने मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया है ऑन मैन्युफैक्चरिंग राइफल्स गौरी खान ने उनकी डेब्यू बुक माय लाइफ इन डिजाइन जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है और शाहरुख खान की वाइफ है इन्होंने अपनी डेब्यू बुक लिखी है माय लाइफ इन डिजाइन आगे बढ़ते हैं केशवानंद भारती आपको पता है एडनीर मठ के हेड सीर या केशवानंद भारती जिनकी वजह से आज ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी सलामत है इन इनका देहांत हो गया एडनीर मेन हेड थे ये केशवानंद भारती जी रेडियो एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का भी निधन हो गया तेलुगु पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी उनका भी निधन हो गया गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करें बॉन्ड स्टार डियाना रिग का निधन हो गया अनुराधा पोडवाल के बेटे आदित्य की मृत्यु हो गई फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह इनका भी निधन हो गया आर्य समाज के लीडर स्वामी अग्निवेश एवं स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस कपिल वत्सायन इनका भी निधन हो गया अवार्ड्स के ऊपर थोड़ा एक और डिस्कशन करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबर्ग को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया एवं आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया जो कि एस के छब्बीस साल तक चेयरमैन रहे ही हैज़ बीन द चेयरमैन ऑफ एच डी एफ सी फॉर ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ये भी याद रखिएगा आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं हैदराबाद की इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सी आई आई जी बी सी नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता एवं अब आइए यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन और भी करते हैं सबसे पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और इन दोनों ने मिल करके विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया सोलर ट्री कहने का मतलब इस पर सोलर प्लेट्स लगी होती हैं जिसके माध्यम से सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली जाती है इंडिया ने सौ मेगा टन का मीट्रिक टन का कोल गैसिफिकेशन का टारगेट बनाया है बाई 2030 यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने ऐसा कहा है इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी और 118 सौ अदर एप्लीकेशन को बैन कर दिया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक रही है 48 स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलेंडर की डायरी की और फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स की प्रिंटिंग बैन कर दी और ये जो सरकार की तरफ से सरकारी डायरियाँ वगैरह आती थी, थी इन सब पर खर्च पे बैन लगा दिया गया है फाइनली नाउ द नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन लॉन्च किया था और दिल्ली रोड एक्सीडेंट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा के हिसाब से टॉप किया मतलब कि सबसे ज्यादा डेथ जो हुई हैं वो दिल्ली में ही हुई हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से लद्दाख और लक्षद्वीप ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम मतलब आ, सभी ज्वाइन कर ली और उसके बाद से 28 स्टेट और बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज़ देखिए 28 स्टेट्स हैं हमारे भारत में और आठ यूनियन टेरिटरीज़ हैं इन सभी ने मिल कर के फाइनली ज्वाइन कर लिया है 28 स्टेट्स को ओके सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है पैंगलासबोल फेस्टिवल और इंडिया एस समिट को एस काउंसिल को होस्ट करेगा तीस नवंबर को याद रखिएगा कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया है जिसमें कश्मीरी डोंगरी और हिंदी को जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दिया गया पंजाब के गवर्नमेंट ने आई रख वाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि सिटीजन्स को ग्रीनरी सेवियर्स बनाया जा सके और कर्नाटका ने न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को अप्रूव भी किया है आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो लॉन्च किया और इंग्लिश प्रो लॉन्च करने के साथ साथ इंडिया विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क रखने वाला रहेगा ऐसा नितिन गडकरी साहब ने कहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है यानी एम ये इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ़ एम एस एम ई भी इन्हीं के अंतर्गत आता है नितिन गडकरी जी आते हैं नागपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रहलाद सिंह पटेल जो कि टूरिज़्म मिनिस्टर हैं इन्होंने ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीट को अट्रैक्ट किया इन्होंने अटेंड किया है साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज किया है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को आसाम की सरकार ने स्वयं स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट मिशन स्कीम लॉन्च किया ताकि यूथ ऑफ स्टेट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया विजिट करने वाले थे एस सी एस और सी की मीटिंग एवं साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वाई संपूर्ण पोषण वीमेन के लिए जिस पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है 24 फोर बाई सेवन गवर्नमेंट ने मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण को शुरू किया जो कि तेरह लैंग्वेजेस में है आंध्र प्रदेश टॉप स्पॉट पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 2019 की रैंकिंग एनएसओ के सर्वे की हम बात करें तो केरला ने लिटरेसी रेट पे टॉप कर लिया है और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो आ, यहाँ पे 2 परसेंट लिखा हुआ है दैट इज़ 96.2 सिक्स परसेंट बाई द वे और आंध्र प्रदेश का है 64 परसेंट के आसपास तो विच इज वेरी वेरी बैड नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स संयुक्त समुद्र जी के चेयरमैनशिप पर करी और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की जिसमें उन्होंने टारगेट को और बड़ा किया है बीस हजार पचास करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना में फिशरीज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रिका गेट को भी इनोग्रेट किया जयपुर में और कर्नाटका के सीएम ने लॉन्च किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस हुबली रेलवे स्टेशन को सिद्धरूध स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर बदल दिया गया है यह नाम रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ई गोपाल ताकि असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके फार्मर्स के लाइव स्टॉक रिलेटेड इश्यूज पर आगे गवर्नमेंट ने फाइव स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की ताकि पोस्टल स्कीम्स को हंड्रेड परसेंट रूरल कवरेज दिया जा सके सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल ऑफ डिस्प्यूट्स सारोद ये इन्होंने शिपिंग मिनिस्ट्री लॉन्च किया उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन एंड साथ ही साथ गोल्डन टेंपल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफ रजिस्ट्रेशन पा गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब बाहर से भी अब पैसे आ सकेंगे और गोल्डन टेम्पल में लगाए जा सकेंगे उड़ीसा के गवर्नमेंट ने गरिमा वेलफेयर स्कीम लॉन्च की सैनिटेशन वर्कर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को दिया प्रधानमंत्री मोदी ने गृह प्रवेशम इवेंट को मध्य प्रदेश में एड्रेस किया वर्चुअली और कैबिनेट ने एम्स बिहार के दरभंगा में बनाने के लिए बारह करोड़ रुपए सैंक्शन किए अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डिस्कशन पे बैंकिंग और फाइनेंस के तो इंडियन इकोनॉमी 10.5 परसेंट से फिच रेटिंग्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दो हजार में इनकी रेटिंग्स बदलती रहती हैं इसलिए आप रेटिंग्स पर फोकस मत कीजिएगा जो आपके मेन्स एग्जामिनेशन के जस्ट दो महीने पहले की रेटिंग्स है उन्हीं पर फोकस कीजिएगा देखिए यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन नेगेटिव में 11.8 परसेंट है इंडिया रेटिंग्स यानी इंदिरा टीपीटी साउथ अफ्रीका की बात करें तो इन्होंने लॉजिस्टिक सप्लाई और चेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टी के साथ समझौता किया है हिमाचल प्रदेश और वर्ल्ड बैंक ने बयासी मिलियन का लोन डील साइन किया है हिमाचल स्टेट के रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया इंडिया की जो जीडीपी है चौदह दशमलव आठ परसेंट से गोल्डमैन सेच के हिसाब से श्रिंक होगी अमेरिकन प्राइवेटी अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फॉर्म सिल्वर लेक इन्वेस्ट किया है पचहत्तर सौ करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल में वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट स्टेक्स के साथ आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने बैंकिंग कंपनी गंग को सीज कर दिया इंडिया एडीबी ने रिजाइन कर दिया है फाइव मिलियन यूएस डॉलर मतलब इंडिया और एडीबी ने मिल करके फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर के लोन पर साइन किया है और ये दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा बैंक ऑफ बड़ोडा ने इन्हैन्स्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज टू पॉइंट जीरो इंडेक्स पे टॉप किया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के हिसाब से और गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है और असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक बरोवर चेयर बाई राजीव महर्षि तो राजीव महर्षि के अंतर्गत इस कमेटी के अंतर्गत इस एसेसमेंट को किया जाएगा क्रिसिल प्रोजेक्ट की बात करें तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने 9 परसेंट पर दिखाया रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली इंडियन फर्म है जो टॉप 200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन पाने वाली कंपनी बन गई तो यहां तक रहा हमारा पूरा सेप्टेम्बर मंथ का पार्ट वन एंड यू विल गेट दप्टेम्बर मंथ का पार्ट टू सोन थैंक यू वेरी मच जय हिंद